7 जवान शहीद हुए हैं तो जम्मू कश्मीर पुलिस के 3 जवान भी शहीद हुए। सेना ने 6 आतंकियों को मार गिराया है और एनकाउंटर अब भी जारी है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। श्रीनगर के सौरा में जहां पर एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया, दूसरा एनकाउंटर की खबर अभी अभी श्रीनगर से है। सौरा की हम बात कर रहे हैं, आतंकियों ने पुलिस चेक पोस्ट पर हमला किया, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को यहां पर ढेर कर दिया है। तो कश्मीर में 2 बड़े आतंकी हमले हुए हैं। एक तरफ जहां पर अभी अभी जानकारी मिल रही है एलओसी के पास उरी में सेना के कैंप पर आतंकियों ने हमला तो किया ही, दूसरी तरफ श्रीनगर के सौरा में आतंकियों ने पुलिस चेक पोस्ट पर हमला किया। उरी में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है और इसी बीच में ग्राउंड जीरो से जी मीडिया संवाददाता खालिद हुसैन की स्पेशल रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम उस स्पॉट पर पहुंचे हैं, मेरे पीछे वो 31 फी लॉन्ड्री का वो कैंप है जिसपे आज फिदायन हमला किया है मिलिटेंट्स ने, और अब तक जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक 7 सेना के जवान जिसमें 2 ऑफिसर हैं शहीद हो गए हैं, 3 पुलिस के लोग शहीद हुए हैं जिनमें एक SHO भी है, और 5 से 6 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। लेकिन अब भी जो खबर आ रही है करीबन 2 मिलिटेंट्स इसमें छुपे हुए हैं, ये आप मेरे पीछे पूरे देख सकते हैं कैसे जूम अगर हो सकता है, ये जो सेना के जवानों ने इस कैंप को घेर रखा है और वहां पर पोजीशंस लिए हैं, स्पेशल फोर्सेस जो है कमांडोज सेना के ये ऑपरेशन अंजाम दे रहे हैं और पूरे इस इलाके को कॉर्डन किया गया है। हमें इस पार आना पड़ा है, इस पूरे नाले के इस पार, क्योंकि वहां से पूरा जो हाईवे है उसको बंद किया गया है, जो हाईवे पूरा मुजफ्फराबाद जाता है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा माना जाना चाहिए हमला है, जो जिसकी आशंका पिछले 2 दिन से खुफिया एजेंसीज जो थी वो दे रही थी। लगातार सूचित किया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्रीनगर दौरे से आसपास एक बड़ा हमला हो सकता है, और आज वो हमला यहाँ पर देखने को मिला है। आप देख सकते हैं हमारे सामने वो कैंप है जहाँ जो स्पेशल फोर्सेस हैं, कमांडोज हैं, वो पोजीशन संभाले हुए हैं। बीच बीच में हमें यहाँ गोलीबारी की आवाज भी सुनाई देती है। करीबन 1 से 2 मिलिटेंट जो है अब भी छुपे होने की आशंका है, और लगातार आज करीबन रात के 3 बजे से ये एनकाउंटर शुरू है और अभी तक यहाँ पर फायरिंग हो रही है, कॉर्डन किया गया है। इसके अलावा जितना भी पैराफेरीज है इस इलाके के सबको कॉर्डन किया गया है, सिविल जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड की गई है इस इलाके में, हमको इस तरफ से दूसरे गांव की तरफ से आना पड़ा है यहाँ तक पहुंचने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें ये जो हमला है ये अपने आप में कहीं ना कहीं ये जताता है कि कैसे मिलिटेंट जो है वो जो चुनावी प्रक्रिया यहाँ पे चल रही थी उसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं, और कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ आने से पहले ये जोरदार हमला किया गया है, ये अपने आप में एक गवाह है। आपने सुना होगा ये बहुत बड़ा ग्रेनेड का धमाका हुआ है, विस्फोट हुआ है, लगातार ये विस्फोट हम सुनाई दे रहे हैं यहाँ पर, और काफी कठिन परिस्थितियों में जो ये हमला हुआ है अब तक 6। ये देखिए आप, बहुत बड़ा विस्फोट फिर से एक बार सुनाई को दिया है, बहुत ही गंभीर स्थिति बनी हुई है, लगातार अब धुआं उठते हुए देख सकते हैं वहां पर, ये अब भी 2 मिलिटेंट्स यहाँ पे छुपे हो सकते हैं, लेकिन कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द ये जो मिलिटेंट्स हैं इनको यहाँ पे न्यूट्रलाइज किया जाए और इस कैंप से जो है इनकी लाशें ही निकले ऐसा मुमकिन किया जाए।